हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे कोण का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम कैसे ड्रॉ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कोण, जिसका जो बेस होता है वो क्या होगा, एक सर्कुलर बेस होगा और इसकी कुछ यहाँ पर एक्सिस होगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो इसका बेस होगा वो हम मानते हैं कि जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा हम कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर क्या करें, इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें। इस प्रकार देखिए, एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, और इस लाइन पर आप क्या करेंगे, 30-30 डिग्री के एंगल ड्रॉ करें। 30 डिग्री और 30 डिग्री इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये देखिए इस प्रकार। अब आपको यहाँ पर मैंने बताया कि आप जो बेस है वो कितने का लेंगे, 40 का आप यहाँ पर बेस लेंगे। तो 40 आप यहाँ पर मार्क आउट करें और 40 ही आप इस प्रकार यहाँ पर मार्क आउट करेंगे। देखिए इस तरीके से आप मार्क करें, इस प्रकार यहाँ से आगे जाएं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये आपने बेस यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए, जब आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू, तो आपको एक एलिप्स की तरह शो होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नेमिंग देंगे ए बी सी एंड डी। या आपने यहाँ पर नेमिंग दे दी। अब आप ए बी का यहाँ पर हाफ यहाँ पर लेंगे, तो ए बी का हाफ यहाँ पर जो है वो कितना आएगा, 20 mm। इस प्रकार अब आप यहाँ पर क्या करें, इस प्रकार से सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही आप ए डी का हाफ लेंगे तो कितना आएगा, 20। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या लिया, हाफ। अब आप ए पॉइंट से इस एंड को जोड़ेंगे, देखिए इस प्रकार से। ये देखिए ऐसे आपने ज्वाइन किया, ऐसे ही सी पॉइंट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे। देखिए ऐसे, तो आपके पास यहाँ पर चार यहाँ पर पॉइंट आ गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। क्यों? तभी आप देखिए, जब भी आप सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे वो एलिप्स बनेगा। और उस मेथड को, जिस मेथड से आप एलिप्स बनाते हैं, उसे आप कहते हैं फोर सेंटर मेथड। बिकॉज यहाँ पर आपके देखिए चार सेंटर आते हैं। कितने सेंटर आते हैं, चार। इसीलिए आप इसे क्या कहेंगे, फोर सेंटर मेथड आप कहेंगे। अब आप कंपास की हेल्प से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पेंसिल खोलें अपनी, और इस तरीके से आप कर्व ड्रॉ करेंगे। देखिए ये देखिए ऐसे एक कर्व मैंने इधर से ड्रॉ किया, एक कर्व यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ए पर आप यहाँ पर कंपास रखें, इस तरीके से इस एंड तक जाएंगे और यहाँ देखिए, ये देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ करें, सेम एज इट इज़ यहाँ से भी। तो आप देखिए यहाँ पर आपका क्या बन गया, सर्कल का जो आइसोमेट्रिक व्यू है एलिप्स, वो आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए इसका जो सेंटर है वो ये है, इससे आप एक्सिस लेंगे कितनी, जितने आपको कोण की एक्सिस चाहिए। माना मैं यहाँ पर एक्सिस लेता हूँ 70 mm एक्सिस लेता हूँ, तो आप इन्हें यहाँ पर इसको बिल्कुल सेंटर लाइन से इसको ड्रॉ करें, और एक इसके एंड को आप इससे जोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे, और एक एंड को आप इस तरीके से जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए। तो ये देखिए, ये बन गया आपका कोन का आइसोमेट्रिक व्यू, ये आपका बन गया कोन का आइसोमेट्रिक व्यू। ऐसे ही आप यहाँ पर इसकी डायमेंशन देंगे, ये देखिए इस तरीके से। आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं आगे गया हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे, इसकी जो डायमेंशन है, यानी कितनी डायमेंशन है इसकी, जैसे इसकी डायमेंशन हमारे पास है 70 हमने ली, तो 70 आप यहाँ पर दिखा देंगे। इसका बेस जो है ये कितना है आपका, 40 का है। तो ये 40 आप यहाँ पर दिखाएंगे कि ये कितना है, 40 है हमारे पास। देखिए क्योंकि 40 से यहाँ पर अधिक होगा, परंतु जो आपने बेस इसका लिया था तो उसका डायमीटर, आपने सर्कल का डायमीटर कितना लिया था, 40 लिया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे शो करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन। तो ये बन गया आपका कोन का आइसोमेट्रिक व्यू पहली कंडीशन में। यदि आप इस कोन को दूसरी कंडीशन में ड्रॉ करना चाहें, जिसमें इसकी एक्सिस, देखिए इसमें वर्टिकल कंडीशन, यदि हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होगी, तब आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, इस प्रकार ये देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर आपके लिए इसे ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक क्या करें आप, इस तरीके से एक पॉइंट ले लें और आप इसमें एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। तो 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री यहाँ पर, और एक बीच में आप ले लेंगे 90 का, क्योंकि इसमें आपको एक्सिस क्या दिखानी है, हॉरिजॉन्टल दिखानी है कोण की एक्सिस। इसमें वर्टिकल है
अब देखिए इस तरीके से आपने हाइट ले ली और यहाँ से विड्थ ले ली, इस फेस पर आपको दिखाना है। तो आप यहाँ पर एक इसी कितना लेंगे 40, इसको मैं 30 ले रहा हूँ इस बारी 30, इस पॉइंट पर भी कितना लेंगे फिर आप इसको 30 ही लेंगे। इस तरीके से आप देखिए ऐसे इसके पैरल, ये देखिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस प्रकार आपने यहाँ पर फेस को ड्रॉ किया है। अब ये जो बाकी जो प्रोजेक्शन है इनको आप इरेज करें, सेम जैसे आपने यहाँ पर सेंटर निकाला था, सेंटर से आपने यहाँ पर सेंटर निकाले थे इनके, इसको नाम दे दीजिए मैं ए बी सी एंड डी, इस तरीके से नाम दे दिए। अब आप क्या करेंगे, ए बी का हाफ जो 15 आएगा इस बारी, क्योंकि हमने जो लेंथ है वो कितनी ली है 30 ली है, तो 15 ये हाफ हो गया। और ऐसे ही इसका हाफ लेंगे इस तरीके से, मैं हाफ ले लिया, ये देखिए, ये देखिए इसका हाफ ले लिया हमने, और यहाँ देखिए इसका हाफ आपने यहाँ पर ले लिया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो बी एंड है इस एंड से इस एंड को जोड़ें, और किस एंड को जोड़ेंगे, इस एंड को आप यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए ऐसे ही डी से आप जोड़ेंगे, देखिए ये देखिए, और यहाँ से इसको आप इस पॉइंट से जोड़ लेंगे। अब आपके पास देखिए यहाँ पर चार सेंटर आ गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इनसे ही आपको जो है वो यहाँ पर आर्क मारने हैं इस तरीके से, ये देखिए एक आर्क आपने इधर मारा, एक आर्क आप यहाँ से मारेंगे, देखिए ऐसे सेम एज इट इज़ यहाँ से आप प्रकार में भरेंगे इस तरीके से, ये देखिए सेम यहाँ से, ये देखिए आपका क्या बन गया, एक एलिप्स यहाँ पर बन गया, आइसोमेट्रिक व्यू बन गया एक सर्कल का हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एक्सिस जो है वो यहाँ पर कितनी लेनी है, देखिए एक्सिस इसके पैरेलल आप लेंगे, ये जो 30 डिग्री आपने ये बना दिया है यहाँ पर, इसके पैरेलल लेंगे यहाँ पर, ये आप इसकी कुछ एक्सिस ले लेंगे इस तरीके से, कुछ एक्सिस ले लेंगे। अरे मान लीजिए हमने इतनी एक्सिस ली, तो अब इस एंड को इस एंड से जोड़ें, और इस एंड को आप इस एंड को इस तरीके से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका कोन भी बन गया है एक वर्टिकल कंडीशन में और एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। दोनों कंडीशन से आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आप दोनों कंडीशन से किसी सी भी से बना सकते हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर एंड होता है, जिसमें हमने कोन के आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में डिस्कस किया। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप दे सकते हैं अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।